हेलो देयर ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए ग्रेप्स के जैम के साथ आइसक्रीम। बहुत यमी और बहुत मज़े की तैयार होती है और पर्पल कलर बहुत प्यारा लगता है। लवली, ये देखें, कलर चेक करें, देखिए कितने मज़े के मेरे गार्डन के अंगूर हैं। अंगूरों ने पानी भी छोड़ दिया है और इसके अलावा ये बिल्कुल अच्छे से गल भी चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद इसका जो छिलके हैं वो निकाल लेंगे और इसके अंदर जो बीज होंगे वो निकाल लेंगे और फिर जो गुद्दा वगैरह होगा वो अंदर रह जाएगा और फिर इसको मज़ीद गढ़ा होने का होगा। ये छिलके हैं और इसके अलावा ये बीज है। अब मैं इसको पुन लूँगी, छान लूँगी छलनी से और ये बीज भी हमारे निकल जाएंगे और थोड़े बहुत छिलके अंदर मैं रहने दूँगी, क्योंकि छिलके जो है ना चंक्स की शक्ल में आते हुए मज़े के लगेंगे आइसक्रीम में, किसी भी चीज़ में, इवन जैम में भी। मगर ये मैं इसमें से जो अंगूर के बीज हैं ये निकाल दूँगी। ये देखो ये बीज वगैरह है ना, ये सारे निकल जाएंगे मैश करके और पुन के। ये देखें इस तरह से थोड़ा सा जो अंगूरों का पल्प था वो भी मैंने डाल दिया है। इसके अलावा ये अब इसको पकाऊंगी, पक्के ये जैम की शक्ल में गाढ़ा हो जाएगा। ये मेरे पास फ्रोज़न था लेमन जूस, वो इसमें डालूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून। चेक करें ज़रा, ये जो रुक के ड्रॉप गिर रहा है इसका मतलब ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाएगा। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है, ये बॉयल आने के बाद इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर शामिल करूँगी। इसका हमने कॉर्नफ्लावर का कस्टर्ड बनाना है। कॉर्नफ्लावर मैंने लिया 3 टीस्पून, ये मैंने मिक्स कर लिया। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा वनीला एसेंस, 1 टीस्पून इसमें ये जाएगी शुगर हमारी 1/3 का शुगर जाएगी इसमें। ये सादा सिंपल क्रीम इसके अंदर शामिल करनी है। अब ये क्रीम इसके अंदर हमने शामिल कर दी है, कॉर्नफ्लावर का जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था। 1 लीटर दूध मैंने लिया था, 1 लीटर दूध के अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था 3 टीस्पून। उसको पकाने के बाद अब इसके अंदर ठंडा करके मैंने इसके अंदर क्रीम शामिल की है। जैम आप इतना इसमें शामिल करें जितना आपको पसंद है, कम ज़्यादा आप पर डिपेंड करता है। ये देखें, ग्रेप्स की वजह से पर्पल कलर की आइसक्रीम हमारी रेडी हुई है। ये जमने के बाद बहुत अच्छा पर्पल कलर आएगा, ग्रेप्स का कलर जो हमारा था पर्पल कलर, उसी कलर की आइसक्रीम तैयार होगी। क्रीम की वजह से थोड़ा लाइट पर्पल है, अब मेरे ख्याल से इतना बिल्कुल ठीक है। अब ये हमारी आइसक्रीम जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं इसे किसी भी कंटेनर में डालती हूँ, उसके बाद हम 12 घंटे के लिए इसे डीप फ्रीजर में रखेंगे। कोई सा भी एयर टाइट बॉक्स ले लें, इसको 12 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रख दें। ये दोनों मेरे कंटेनर रेडी हैं, इसको 12 घंटे के लिए मैं फ्रीज़र में रखने लगी। बारह घंटे के बाद मैं इसे निकाला है फ्रीज़र में से। कोई क्रिस्टल नहीं है इसमें, यम्मी है इसके। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊं। थैंक यू।